फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सिक्स सेमेस्टर की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 जो है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ए फुल एडर एड्स। फुल एडर किस तरह के इनपुट्स को ऐड करता है ये हमें बताना है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 बीट्स। 3 बीट्स इनपुट्स को ये ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ए मल्टीप्लेक्सर इज ए। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है ये हमें बताना है। तो मल्टीप्लेक्सर जो है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर है। तो दो तरह के सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट। तो मल्टीप्लेक्सर जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच आर द फॉलोइंग सर्किट हैज इट्स आउटपुट डिपेंड ओनली अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सर्किट है, ऐसी कौन सा सर्किट है जिसमें जो उसका आउटपुट होता है वो उसके प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट ए 16x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है जो 16x1 का हो और हमें यूज करना है 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। तो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर कितने हमें रिक्वायर होंगे ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15। 15 मल्टीप्लेक्सर चाहिए 2x1 के, तब जाकर के जो है कि 16x1 का एक मल्टीप्लेक्सर बनेगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हाउ मेनी 3-8 लाइन डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू ए 5x32 डिकोडर। यहाँ आपको आ जा रहा है कि 3-8 लाइन का डिकोडर कितनी संख्या में चाहिए जिससे हम जो है कि 5x32 डिकोडर्स बना सकें या 5x32 लाइन्स का डिकोडर बना सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 4। इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज द वन इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो एक ऐसी सर्किट है जिसका आउटपुट डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये जो है कि इनपुट पर डिपेंड करता है, इनपुट कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम पर कौन सा इनपुट कंबाइन किया जा रहा है उस इनपुट पर ही डिपेंड करता है इसका आउटपुट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए बाइनरी फुल सबट्रैक्टर कंटेंस। मतलब जो बाइनरी फुल सबट्रैक्टर होता है वो क्या होता है, उसके पास क्या होता है ये बताना है। तो बाइनरी फुल सबट्रैक्टर भी होता है और हाफ सबट्रैक्टर होता है। तो जो फुल सबट्रैक्टर्स होते हैं ये कंटेंस 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 OR गेट। तो जो एक फुल सबट्रैक्टर होता है उसमें 2 हाफ सबट्रैक्टर्स हैं और उसके साथ में एक OR गेट लगाया जाता है। तो उसको कंबाइन किया जाता है तो ये फुल सबट्रैक्टर बन जाता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए हाफ सबट्रैक्टर इज एन अर्थमेटिक सर्किट विच परफॉर्म्स सबट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन इनपुट बीट। तो कितना इनपुट के बीट पर यह जो है कि हाफ सबट्रैक्टर जो है कि सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 बीट इनपुट्स। तो हाफ सबट्रैक्टर जो है कि यह 2 बीट इनपुट का रहता है तो उसको जो है कि ये सबट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9,
नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज ए हाफ एडर सर्किट इज, तो इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स यूज किए जाएंगे, तो हमें जो है कि हाफ एडर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। तो 5 नैंड गेट्स की हेल्प से हम जो है कि एक हाफ एडर सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। ए लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हाफ एडर हैज, तो एक लॉजिक सर्किट जो कि हाफ एडर के फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है, तो उसके पास क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो यह एक ऐसा लॉजिक सर्किट है इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। इन ए शिफ्ट रजिस्टर डेटा इन ए सीरीज फॉर्म इज आल्सो रेफर्ड टू एज, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शिफ्ट रजिस्टर्स होता है उसमें डेटा जो कि सीरियल फॉर्म में होता है, सीरियल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है टेम्पोरल कोड, तो इसको हम टेम्पोरल कोड बोलते हैं। टेम्पोरल कोड जो है कि ये टाइम से रिलेटेड है, तो एट ए टाइम जो है कि एक जो है कि शिफ्ट होता है, तो इसको हम टाइम बोलते हैं या टेम्पोरल कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। इन एन ए सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसा इन सिंक्रोनस काउंटर है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, तो इसके लिए कौन सा जो है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शंस वो सही है ये बताना है। तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है कि राइट है। ये ऑप्शन है आउटपुट ऑफ वन फ्लॉप इज गिवेन एज द क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो ये इसका राइट आंसर है। आउटपुट जो है कि एक फ्लॉप का वह अगले को जो है कि क्लॉक के रूप में दिया जाता है, जो अगला फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ए शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्टैटिक शिफ्ट रजिस्टर, इसको हम स्टैटिक शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं, न कि हम डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर या फिर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर या फिर फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर, इसको हम स्टैटिक शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल कौन है, इसका राइट आंसर है काउंटर्स, तो काउंटर्स जो है कि सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल्स है, बाकी जो है कि सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। द एसआर लैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एसआर लैच जो होता है किसका एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, तो 1 बिट मेमोरी एलिमेंट का ये एग्जाम्पल है एसआर लैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। इन ए जे के फ्लिप फ्लॉप इफ जे इज इक्वल टू के बार देन इट एक्ट्स एज एन ए, तो यदि जे के फ्लिप फ्लॉप में जे इज इक्वल टू के बार कर दिया जाए तो ये किस तरह का वर्क करता है जे के फ्लिप फ्लॉप, तो जे के फ्लिप फ्लॉप जो है कि डी फ्लिप फ्लॉप जो ऐसा वर्क करने लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंशियल सर्किट, तो इसमें से बताना कि कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर जो है कि ये कम्बिनेशनल सर्किट है, बाकी फ्लिप फ्लॉप काउंटर या शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं ये सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। इन ए जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1 देन इट विल बी कंसीडर्ड एज,
तो यहाँ आपका जा रहा है कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जे की वैल्यू वन हो, हाई हो, एंड के की वैल्यू भी वन हो या फिर हाई हो, तो इसको हम कौन सा कंडीशन या क्या कैसा इसको हम कंसीडर करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टगल कंडीशन। तो इसको हम टगल कंडीशन बोलते हैं जब जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। इन ए डी मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस इज एन एंड द नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइन इज एम, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर में स्मॉल एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस हैं और इसमें जो लाइनें सेलेक्ट की गई हैं उनकी संख्या जो है कि एम है। तो टोटल जो है कि कह सकते हैं कि आउटपुट लाइन जो है एन है और उसमें से कुछ लाइनें सेलेक्ट की गई हैं, तो ऑबियस है एन की वैल्यू जो होगा कि ग्रेटर होगा एम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रिलेशन जो होगा एन और एम में, वो होगा एन इजकल टू टू के पावर एम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए 7x28 डिकोडर यूजिंग 3x8 डिकोडर। तो यहाँ आप कहा जा रहा है कि मिनिमम कितने नंबर्स जो है कि डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम 7x28 का डिकोडर बना लें, और किसकी हेल्प से, 3x8 डिकोडर की हेल्प से। इसका राइट आंसर आएगा 19, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है कि इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।